तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका साथ है कौन न्यू वीडियो में। हम जो टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों ने वीडियो को क्लिक किया है ना, पहले बता दे रहा हूँ भाई, क्लिक बेट तो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि भाई दीवानशु के किल और मैंने अपने किल मिला के ऐड कर दिया भाई थंबनेल पे व्यूज़ के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल सही है, मेरे इंडिविजुअल मतलब सोलो किल्स 26 हैं, तो एंड तक देखना। देखो 26 किल निकालने के लिए जैसा रश, जैसा पुश, सारी चीज़ें चाहिए होते ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस वाले मैच में देखने को मिल जाएगी। तो देखो इससे पहले कि हम पुश वगैरह करना स्टार्ट करें, आप लोग फटाफट जाओ नीचे जब तक हम लूट वगैरह कर रहे हैं, लाइक का बटन हो उसे प्रेस कर दो, और चैनल पे जो लोग नए हो उसे सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल हम सामने की तरफ जा रहे थे। क्योंकि इधर ये भाई साहब थे, हम जैसे इसका गन साउंड आता मतलब इसी बाना उसकी तरफ से आया था, तो हम इधर बग्गी रोक लेते हैं। अब भले ही बंदा एस्ट्रोलेके को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी एस्ट्रोलेके ही चला रहा था। खैर यहाँ पर मैं चोक करते करते बोल रहा हूँ, क्योंकि जोस्टिक भाई यहाँ पर काम वगैरह कर नहीं देती। खैर ये चीज़ आगे नहीं मिलने वाली आप लोगों को, तो फटाफट से सामने की तरफ एक बंदे को नॉक करते थे। साथ ही मैं बग्गे में बैठ के उधर पुश कर देता हूँ, क्योंकि उधर एक और बॉट था, और क्योंकि भाई इनके पास M4 थी, साउंड वगैरह आ रहे थे, पहले मैं आके इनकी M4 उठाता हूँ। और तभी सामने की तरफ ये एक और भेज दिखते हैं मेरे को, अब इस बंदे को एम टाने के बाद मैं बगी बगी में बैठ के नहीं कर रहा था, जोन के अंदर जा रहा था ड्रॉप वगैरह के पास, लेकिन तभी पीछे से एक बगी आती है। अब बंदे को मेरे दो दो हेड कनेक्ट हो जाते हैं, और जाहिर सी बात है क्योंकि दीवानशु ने भी उसको कुछ बुलेट्स तो कनेक्ट करी ही होगी, तो बंदा लो था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई बंदा आगे जाकर रुकेगा। मैं तो मतलब सोच चुका था कि भाई निकल गया बंदा, तो मैं फटाफट से बग्गी लेकर उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा था। अब पीछे बंदा मेरे को दिख तो गया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वही बग्गी वाला बंदा, लेकिन जैसे मेरे को बग्गी दिखती है मैं सबको समझ जाता हूँ। अब इसको आसानी से नॉक करते हैं, फिनिश भी करते हैं, और अभी तक मैं जितने बंदों को मारा था मैं पता नहीं क्यों सारे के सारे नॉक ही हो रहे थे, तो मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आता कि इनके बाकी बंदे कहाँ हैं भाई, ये बंदे अकेले अकेले क्यों घूम रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमें मिलने स्टार्ट होते हैं स्क्वाड्स। अब मैं बग्गी में बैठ के सबसे पहले दीवानशु को लेने जाता हूँ, क्योंकि गाड़ी वगैरह नहीं थी इसके पास। अब जैसे हम इधर से गाड़ी लेके गुजर रहे थे, अब मैं इस बॉट को बिल्कुल भी नहीं मारने वाला था, लेकिन जैसे मेरे को पता लगता है कि भी इसको कोई और बंदा मारने का ट्राई कर रहा है, तो भाई मुझे तो किल चुराने था उसका मतलब उकसाने के लिए, तो मैं वो किल मतलब नॉक वॉक करके आ जाता हूँ। अब यहाँ पर बिल्कुल एम लेने लगा था कि भी वो बंदा कहीं खड़ा बड़ा हो तो उसका किल ना चुरा ले, और बंदा चला खैर नेट के उसने। अब जैसे नेट फटता है मैं भी सोचता कि भाई चलो नेट करते हैं इधर से, लेकिन इधर से डिस्टेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा था, तो मैं ज़्यादा रिस्क वगैरह नहीं लेना चाहता था, मैं मतलब पूरा एक ही नेट में उसका काम तमाम करना चाहता था। तो फटाफट से मैं इधर आता हूँ और इधर से एक मस्त एंगल बनाता हूँ, और इससे पहले कि उसको पता लगता भाई फट जाता है वो, और ये भी अकेला ही था मतलब देख रहे हो। अब अचानक से क्या होता है कि मेरी नज़र इस गाड़ी पर पड़ती है, स्किन वगैरह चेंज थी तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट होता है, और मैं स्कोपिंग वगैरह करके देखने लगता हूँ, तभी ये घर में देखो जाता हूँ मेरे को एक बंदा दिखा। अब डाउट ये था कि भाई वो जो बंदा है वो बॉट है कि रियल है, यही कन्फर्म करने के लिए मैं थोड़ा सा मतलब स्कोपिंग करके रखता हूँ, लेकिन वापस से जब वो बंदा स्कोप में आता ना भाई मेरे को कन्फर्म हो जाता है कि भाई रियल बंदा ही है, तो मैं वट से दीवानशु को बैठा कर भाई सीधा पुश कर देता हूँ। लेकिन इधर आने के बाद भी मेरे को एक सरप्राइज़ मिलता है, मतलब पूरी घोड़ी बैठी हुई थी इधर, और ये लो भाई जैसे मेरे को एक स्क्वाड मिली भाई उसका काम तमाम इधर। अब
अच्छा लगा हो तो भाई कर देना यार सारी चीज़ें, दोबारा तो नहीं बोलूँगा यार क्योंकि बार बार पूरी वीडियो में ये सब बोलते रहूँगा तो भाई मतलब नहीं है ना भाई। अब देखो आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग खुद करके जाना। अब देखो सामने की तरफ क्या होता है ना कि दिवांशु को डैमेज पड़ता है तो वो मुझे फटाफट से मार्क लगाए थे कि भी उधर से ऐसे शॉट्स आए थे उसको क्योंकि वो बंदा सप्रेसर लगा के मारा था तो मिनी वेब वगैरह में तो मार्क आ नहीं रहा था, लेकिन उसने मेरे को कॉल दिया कि बंदे सामने की तरफ है तो मैं बाकी में बैठ के जस्ट चेक करने के लिए आया था क्योंकि मेरे को भी कन्फर्म नहीं था। और जैसे मैं इधर पहुँचता हूँ बंदा दिखता सामने की तरफ, अब डाउट ये भी था कि बंदा अकेला या फिर पूरी की पूरी स्क्वाड है। अब फिलहाल इसलिए तो मेरे को केवल एक ही बंदा दिखता है जिसको मैं नॉक करता हूँ। लेकिन अचानक से ही ये भाई साहब भी मेरे फ्रेम में आ जाते हैं तो दोनों को नॉक करते हैं भाई, फिनिश भी करेंगे। और अभी भी डाउट था कि इनके हॉट टीममेट्स इधर होंगे कि नहीं क्योंकि ये दोनों के दोनों ही बंदे नॉक हुए थे, तो इनको फटाफट से लूटते हैं। मैं थोड़ा बहुत आगे जाकर चेक करता हूँ लेकिन मेरे को कोई मिलता नहीं है, तो निकलेंगे इधर से फटाफट से क्योंकि लूट वगैरह तो थी मेरे पास, तो इससे पहले बंदे लॉबी में फिनिश हो जाए भाई पुश करना सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं बग्गी में बैठता हूँ और दिवांशु को भेज देता हूँ अलग गाड़ी में कि भाई दोनों अलग अलग गाड़ी से बंदे खोजेंगे ना तो जल्दी मिलेंगे। अब मैं आता हूँ सोलर ड्रॉप के पास और लकीली भाई बंदे भी मिल जाते मुझे। अब मैं एक अच्छे मौके की तलाश में था कि भाई एक बंदे को तो एक्सपेरिमेंट नॉक खरीदूँ मैं, और वेट करा था अच्छे मौके का। और जैसे ही मौका मिलता है भाई नॉक करता हूँ मैं इसको। अब इतने देर में दिवांशु भी पहुँच जाता है तो मेरे पास एक नेड होता है तो मैं बोलता हूँ कि दिवांशु कवर दो, मैं नेड से ट्राई कर रहा हूँ उस घिलू सोड़ा लोगों को भी निपटाने का, और नेड फेंकता हूँ मैं। अब नेट से तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, मतलब नॉक वाले भी फिनिश नहीं होता तो M4 से मुझे फिनिश करना पड़ता है। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि भाई वो जो गिली सूट वाला बंदा था वो बग्गी मतलब गाड़ी वाड़ी लेकर निकल जाता है, तो मैं भी सोचता कि भाई चलो उसी के पास रश कर देते हैं। तो मेरे को क्या लगता है कि भाई वो बंदा इधर रुक गया होगा तो मैं भी अपनी गाड़ी इधर रोक लेता हूँ, लेकिन वो बंदा इधर नहीं रुका था। और तभी क्या होता है कि मुझे राइट साइड से जोन के बाहर से कुछ गंजम जाने लगते हैं, और छोटे मोटे गंजम जाने यार तगड़े तरीके से आने लगते हैं, तो भाई मेरे से वेट होता नहीं तो मैं फटाफट से गाड़ी में बैठता हूँ। और क्योंकि भाई किल्स ये थे और किल्स के लिए ही खेल रहा था तो भाई जोन के बाहर भी पुश गई था मैं। और आप लोग ऐसी गलती मत करना अगर आप लोगों को चिकन निकालना है तो। खैर जैसे मैं इधर पहुंचता हूँ गाड़ी दिखती है, अब जो वेजिटेबल शॉप वाला बंदा था ना उसको भी एक हेड मैंने चिपका दिया था। और मुझे इतना पता था कि वो बंदा अकेला नहीं उधर क्योंकि एक बंदे को क्रॉस करके मैंने और देखा था, तो मैं इधर नहीं रुकता क्योंकि ब्लू हाउस में देखो मतलब एक बंदे का और हेड देखा होगा वाले के नहीं मैं, तो मैं उधर ना रुक के इधर रुकता हूँ क्योंकि मैंने इधर एक बंदे को नॉक डाला था तो इसका आगे किल कन्फर्म कर देता दिवांशु। और मेरी प्लानिंग ये थी कि भाई सामने की तरफ बस कैसे भी तीन में से एक नेट से बंदे को नॉक करना है, और किसी एक को भी मैंने नॉक कर दिया तो फिर तो मैं पुश कर दूंगा। उम्मीद थी कि भाई इसी में बंदा नॉक हो जाएगा, लेकिन भाई बन जाता बंदा, और दूसरे नेड में तो भाई वो बंदा सतर्क हो ही चुका था तो मेरे को इतना पता चल चुका था कि भाई बंदे तो नॉक होने वाले हैं नहीं, तो भाई मेरे को ऐसे ही पुश करना पड़ेगा और मैं कर भी देता हूँ। खैर कोई भी बंदा सरप्राइज़ नहीं देता ऊपर में मेरे को, और क्लोज इन कर जाता मैं आसानी से। खैर बंदा भागता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि भाई उसके ऊपर पुश हो रहा है, देखो जब भी आप जोन के बाहर पुश करते हो तो भाई देखो दो ही रिजल्ट क्रिएट होते हैं, पहला तो ये कि भाई आपको यहाँ से अच्छे खासे किल्स मिलेंगे, और दूसरा ये कि भाई आपका भाई दोबारा जोन के अंदर पहुँच ही नहीं पाओगे। खैर यहाँ पर अच्छे खासे किल्स मिल जाते हैं, मुझे चार किल्स मिले, अभी चारों एक ही स्क्वाड के थे या फिर अलग अलग पता नहीं मुझे, लेकिन खैर मुझे इससे कह लेने देना, किल्स तो मिल जाते हैं मेरे को। अब गाड़ी में बैठ के मैं सीधा जोन के अंदर एंट्री मारता हूँ, और मेरे अलावा मतलब हम दोनों के अलावा तीन बंदे और अलाइव थे, तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि भाई तीनों बंदे रियल होंगे। मैं थोड़ा बॉट वगैरह भी लेके चल रहा था, और ये भी पता था कि भाई जोन के अंदर कोई नहीं होगा क्योंकि जोन देख लो बिल्कुल ओपन में बना है लगभग, बस ये वॉच टावर कवर में था और भाई इसको भी एक बंदे ने अक्वायर कर रखा था, और इसकी उम्मीद नहीं की थी मैंने, तो भाई इसका मतलब ये था कि अभी जोन के अंदर कुछ भी हो सकता है। और चिकन निकालना, मुझे चिकन मिस नहीं कर सकते क्योंकि क्या पता है तीनों बंदे एक ही स्क्वाड के निकले और निपटाते हम दोनों को, तो मैं फटाफट से थोड़ा सा राइट से फ्लैंक मार के ट्राई करता हूँ कि एंगल वेंगल बना के इस बंदे को कैसे भी नॉक कर दूँ। अब ट्राई तो किया मैंने उसको मारने का, लेकिन भाई एक और ही सरप्राइज़ मिल जाता है और वो तो बंदा बच जाता है क्योंकि भाई बिल्कुल इतू सा दिख रहा था वो बंदा, और तभी उसके नीचे वाले फ्लोर में भी एक अलग ही बंदा दिख जाता है, दो बंदे वॉच टावर में थे और एक तीसरा बंदा भाई लग तो नहीं रहा था,
और ये वही वॉच टावर वाला बंदा था जिसको भाई नीचे मैंने स्पॉट किया था। अब बंदा तो अच्छा खासा जोन में होता है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जोन के बाहर से मेरे ऊपर पुश कर रहा था, समझ में नहीं आया मुझे इसके रीज़न। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इसको नॉक करने के बाद एक ही बंदा बचा था वॉच टावर में, तो मेरे पास नेट्स होते दो, तो मैंने सोचा कि भाई नेट से ही निपटा देंगे, इसको अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले नेट से डैमेज जाता है और दूसरा नेट भी मेरा अंदर ही जाने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे भाई बाहर गिर जाता है, तो मजबूरन भाई रश करना ही पड़ता है मेरे को। और पुश ना करने का रीज़न यही था एस्ट वाले के, लेकिन बाहर बार बसता हूँ मैं। अब बंदा पता नहीं कौन सी गन चला रहा था लेकिन भाई हम दोनों की ही हालत ख़राब कर दी थी उसने, और बस ये हेल्थ लग जाए उसके बाद तो भाई पुश करने वाला हूँ मैं। और जैसी हेल्थ लगता है भाई अलग ही लेवल कॉन्फिडेंस में था मैं 25 किल करने के बाद। और बंदे को हल्के में तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि बंदा अलग ही लेवल स्प्रे दे रहा था और गन भी कौन से चला रहा था भाई मुझे लास्ट तक पता नहीं लगता। खैर कॉन्फिडेंस में मरते मरते बसता हूँ मैं, मतलब HP देख लो यार, एक गोली और लगती तो भाई काम खत्म था। खैर ये थी आज की वीडियो, में कैसे लगी वीडियो कमेंट करके कैसे बताना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके पहले करना और प्रेस कर लेना। और यही थी आज की वीडियो, में इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।